आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। गोरखपुर विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान की छात्रा प्रियंका भारती की खुदकुशी का मामला हत्या के रूप में हुआ तब्दील। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या की हुई पुष्टि। गोरखपुर विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग की अध्यक्ष सहित अन्य उनके अज्ञात सहयोगी लोगों पर दर्ज हुआ हत्या का मुकदमा। अगस्त को महामहिम राष्ट्रपति के संभावित आगमन के मद्देनजर डीएम सीडीओ एसपी सिटी सहित संबंधित अधिकारियों ने किया सोनबरसा बालापार स्थित गुरु गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय व अस्पताल का निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। एसपी ट्रैफिक की अध्यक्षता में संपन्न हुई यातायात पुलिस की गोष्ठी। दो दिन अभियान चलाकर गाड़ियों पर लगे प्रेशर हॉर्न, हूटर, मॉडिफाइड साइलेंसर व ध्वनि प्रदूषण के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने के साथ गाड़ियों पर लगे प्रेशर हॉर्न, हूटर और मॉडिफाइड साइलेंसर को भी हटाने के दिए निर्देश। गोरखपुर विश्वविद्यालय की छात्रा स्वर्गीय प्रियंका कुमारी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग को लेकर डीवीएनपीजी के छात्रों ने सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से जिलाधिकारी को प्रेषित किया ज्ञापन। मांगों को शीघ्र पूरा करने की मांग। एक किलो 50 ग्राम अवैध गांजा के साथ बांसगांव पुलिस ने एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। गोरखपुर में रविवार को मिला एक नया कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 59,366। अब तक 848 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान। 18 हुए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली के जन्मदिन के अवसर पर मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने केक काटकर मनाया जन्मदिन। प्रदेश अध्यक्ष के लंबी उम्र की कामना। चोरी के दो मोबाइल सेट के साथ एक शातिर चोर को रामगढ़ताल थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। दलित साहित्य एवं संस्कृति मंच के तत्वावधान में हरिशरण गौतम द्वारा लिखित पुस्तक आधी रोटी का किया गया विमोचन। लेखक ने कहा, पुस्तक में लिखी अपनी आत्मकथा से नई पीढ़ी को मिलेगी जीवन जीने की प्रेरणा। NSUI के प्रदेश सचिव की अध्यक्षता में संपन्न हुआ कार्यकर्ताओं की बैठक। संगठन को मजबूत बनाने पर की गई चर्चा। मुहर्रम पर्व सहित आगामी सभी पर्वों को सकुशल संपन्न कराने के उद्देश्य से सीओ कोतवाली की अध्यक्षता में कोतवाली थाने पर आयोजित हुई पीस कमेटी की बैठक। त्योहारों को आपसी भाईचारे के साथ सकुशल संपन्न कराने के दिए निर्देश। और शासन के निर्देश पर शुक्रवार की रात्रि 10 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक लागू साप्ताहिक बंदी के तहत रविवार को बंद रही महानगर की दुकानें। साप्ताहिक बंदी का मिला जुला रहा असर।